ब्रो, जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा ना, तुम्हें बहुत याद किया करूँगा, और लाइक तो मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया करूँगा, हमेशा तुझे कॉल कर करके परेशान किया करूँगा। अच्छा जी, चलो फिर शुरू करते हैं। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय HD स्ट्रीम रोक दी गई है YouTube की तरफ से, क्योंकि नेट पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। तो Netflix, YouTube और Amazon Prime तीनों पे आप HD स्ट्रीम नहीं कर सकते। तो मैं आपको चाहूँगा, अगर आप ये वाली वीडियो हाई क्वालिटी में देखना चाहें तो अभी पॉज करो, डाउनलोड करो HD में या फुल HD में, और फिर देखो। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए देखने के लिए भी, वरना अगर ऐसे चल रहा तो कंटिन्यू करो ऐसे ही। हे गाइज, तो कैसे हो आप? आई गेस आप अब तक घर पे रहने के आदि हो चुके होंगे, और ये एपिसोड मैंने स्पेशली दोस्तों के लिए बनाया है। जैसे आपको पता है कि हमारी लाइफ बहुत बिजी है, किसी ना किसी टाइम पर, चाहे कॉलेज में हो चाहे जॉब पे हो। कुछ आपके ऐसे दोस्त रहे होंगे जिनसे आप अब कॉन्टैक्ट में इतना नहीं है, मतलब जिनसे आप रोज़ नहीं मिल सकते। आपने उनसे किसी टाइम पर ये प्रॉमिस किया होगा, या आपको समय ऐसा लगता होगा कि जब वो यहाँ से चले जाएंगे या जब आप लोग अलग हो जाएंगे, तब भी आप इतने ही अच्छे दोस्त रहेंगे और इतने अच्छे कॉन्टैक्ट में रहेंगे। बट टाइम हर किसी के पास अब इतना नहीं है कि वो अपने दोस्तों से बात कर सके और अच्छे से उनसे इंटरेक्ट कर सके। इसके लिए किसी को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप समझ सकते हो कि आजकल लाइफ बहुत बिजी है। हर किसी के पास करने के लिए बहुत काम है, अपने फैमिली के लिए भी टाइम निकालना, अपने काम के लिए भी टाइम निकालना, और मूवीज़ वगैरह देखनी है, नेटफ्लिक्स देखना है, गेम भी खेलने हैं, तो बहुत काम करने हैं, तो हम अपने दोस्तों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। इसमें किसी गलती नहीं है। बट अब जब सब घर में बंद है, कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो एक बेटर टाइम है कि आप अपने दोस्तों से दोबारा से अच्छे से कॉन्टैक्ट बना लें और उन्हें थोड़ा स्पेशल फील करा लें। ये मैं आपको भी एडवाइस करूंगा, इसलिए कह रहा हूं, ताकि आप लोग थोड़े से अच्छे से बात कर सको, दोबारा से उनसे कॉन्टैक्ट में हो सके, और शायद आप बहुत खुशी फील करो उनसे बात करके। थोड़ी सी जो आपका स्ट्रेस है घर में बैठ बैठ के जो बढ़ रहा है, उसे थोड़ा रिलीव कर सको। तो मेरी रिकमेंडेशन है, आप सबको ये करना चाहेंगे। और आज मैं भी अपने कुछ दोस्तों को कॉल करूंगा और देखता हूँ उनका रिएक्शन कैसे रहता है, या अपने आप को तो मैं स्ट्रेस फील करने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये फर्स्ट कॉल अपने दोस्त आशीष को करूंगा। हेलो हेलो, क्या हाल है भाई? बता। और कहाँ पे कैद है या बाहर है अभी? कैद हूँ, कैद है। कहाँ पे कैद है? कैथल में। कैसे महसूस कर रहा है? मैं अभिषेक बच्चन जैसा। क्यों? घर में भी काम नहीं रहा? ओ यार, कांग्रेस का हाल भी कुछ ऐसा ही है। कांग्रेस का? हाँ। और सुना? बस बढ़िया यार, तू सुना? कैद है? तू कहाँ कैद है? मैं घर पे कैद हूँ, यमुना नगर। आज कौन सी वीडियो आएगी? आज कौन सी वीडियो आएगी? तेरे वीडियो देख के टाइम पास कर लेता हूँ। कोई नहीं, आज आएगी, ध्यान। आज तो, आज या कल में जरूर आएगी, देखियो जरूर। शादी शुद्धि करा ले कोरोना से पहले। अच्छा जी, हाँ। किसने कहा? ये बिल्कुल अंदर की ऑफिशियल खबर है, सरकार की, जिसको इन्होंने 21 दिन पहले दिया है, ताकि लोगों को थोड़ी आदत पड़ जाए, थोड़ी लोगों को आदत पड़ जाए। आदत पड़ जाए, आराम से बैठा रहे, फट देते रहे, नहीं ना नहीं ना। क्या बोलते हैं इसको, क्वार्टरिन या क्वारंटीन? पता नहीं क्या, ये अपने तो समझ ही नहीं आ रहा, क्वांटी को बोल। जी टेडी मीडियो जाती मेरे तो बोलते हुए। वो कहते नहीं किस दिन क्वांटिट्रीन में रहना है। ऐसा ऐसा मुश्किल वर्ड छाट दिया इन्होंने। कहाँ हो अभी? याद रख ढंग से फोन, कभी कहाँ हो अभी? तो कहना भी होता है कि कैद में है, क्वांटिट्रीन में हूँ। चलो कोई नहीं, कुछ तो निकलता ही है। और प्रधान प्रधान का फोन आया कि नहीं? प्रधान मत बोलो, फोन है ना, मैं राहु। राहु? हाँ। ये किसने रखा? साले इंस्टाग्राम पे देखा नहीं ना? राहुल शर्मा ने लिख रखा है ब्रैकेट में राहु। राहु तो आई केतु, केतु उसका भाई है। अच्छा रुक, मैं तो कभी कॉल करता थोड़ी देर में, ठीक है? हेलो, क्या हाल है? हाँ भाई, बढ़िया। मैं तो क्या कर रही है? और तू कैसा है? मैं बढ़िया हूँ, भूल गई तू तो? मैं क्या, मैं
कैसे भूल गई भाई? मैं लग रहा भूल गई मैं लड़की। अरे हम ना भूल गए। और कैसी चलती है जॉब? कैसी चल रही है जॉब? क्या हो गया? अरे होना तो क्या ही है, बैठे हैं बस यार। कैसे लग रहा है तुझे घर में कैद होके? बहुत ही गंदा लग रहा है, बहुत ही बोरिंग लग रहा है यार। कुछ है ही नहीं करने को यार सच में। छी मैं तो सोच रहा हूँ कि तसले तुसले ले आऊं, ये मतलब बजरी और ईंटे मिल नहीं रही, वरना मैं तो अपना घर का उपला पोषण खुद ही बनाता है इन दिनों में। वाह ये भी सही है। आज तो तुम आ गए होगे यमुनानगर। यमुनानगर ही है तब से। पापा का ट्रांसफर हो गया तेरे? और कख यही यमुनानगर हो गया। अच्छा यमुनानगर ही हो गया, बड़ा सही है यार। तेरे पिताजी का बड़ा रोला है, सहारनपुर से यमुनानगर है। और भाभी जी कैसी है? हमारी भाभी जी बढ़िया है। अच्छा कहाँ है भाभी? भाभी यही है। अच्छा और संदेश? संदेश भी बढ़िया यही है, वो भी सब घर में बंद है। अच्छा ठीक बेटा ठीक। और बता फिर तू बस कैसी बढ़िया। चल रही है? ये पॉडकास्ट क्या होता है? पॉडकास्ट मतलब जो छोटे वो होते हैं उनको बोलते हैं क्या पॉडकास्ट? पॉडकास्ट होता है कि जैसे रेडियो पे होता है ना, अब रेडियो तो बंद हो चुका है, तो इंटरनेट पे जो तुम डालते हो पॉडकास्ट होते हैं। अच्छा और फिर ब्लॉग क्या होता है? वो भी तो वही हुआ। ब्लॉग अलग से, पॉडकास्ट जरूरी नहीं है। पॉडकास्ट तुम स्पॉटिफाई वगैरह पे भी कर सकते हो, जो जो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है जैसे विंक म्यूजिक या स्पॉटिफाई वगैरह पे। वीडियो होना जरूरी नहीं है, वीडियो पॉडकास्ट पे भी डाल सकते हो मतलब। हाँ वीडियो पॉडकास्ट अलग चीज है। अच्छा और सैनिटाइजर यूज कर रही नहीं कर रही? सब कर रहा हूँ यार, सब जा ही नहीं रही बाहर, सैनिटाइजर यूज करने की जरूरत क्या है? अरे चलो वो तो बाहर जाओ तो तब जरूरत है। हाँ ये भी है। और सुना भी। और बता फिर तू। और शादी कब कर रही? नहीं हुई तेरे तब से ना? अरे हुई थी एक दिन, फिर पैपे पैपे कर मेरे रही थी। पास तो यार उसका नंबर भी चल गया क्योंकि मैंने दूसरे फोन में था उसका नंबर। मैं भी नंबर डिलीट लूट कर दिया उसका, तो क्या कर दिया? डिलीट कर दिया डिलीट। अरे दिल के कोने में तो रखा ही होगा कहीं ना कहीं याद करके। अरे नहीं नहीं यार नहीं रखा हुआ। शादी शुदी कब कर रही है तू? बस जल्दी ही करेंगे। अच्छा चल ठीक है, करता मैं थोड़ी देर में कॉल। ठीक है हाँ ठीक है ठीक। ओके ओके बाय। तो जो नेक्स्ट कॉल करने वाला हूँ मैं करने वाला हूँ अभिषेक को। यही मेरे कलीग था और मेरे भाई जैसे था, अब हम मिल नहीं पाते उसे क्योंकि मेरे से हम दोनों को एक जगह जॉब करे हुए 2 साल हो चुके हैं। तो लेट्स कॉल हिम। हेलो। हेलो क्या हाल है? मैं बहुत बढ़िया, तू बता क्या हाल चाल? बड़ा सीरियस सा हेलो किया। अरे नहीं यार। और क्या हो रहा? बस टाइम पास हो रहा, तू बता क्या हो रहा? बस बढ़िया, आजकल तो पॉडकास्ट डाल रहा तू। अरे कुछ तो करना ही पड़ेगा यार। हाँ सही बात है, मैं तो दो देखे कल, नहीं देखा तीसरा वाला। यही तो कमी है तुम्हारी। अरे तो देखेंगे अभी, रुक जा। और बता कैसा लग रहा घर में बंद हो गए? घर में मुझे तो वैसे भी आदत थी पढ़ाई की। हाँ काफी दिनों की पढ़ाई करते हुए। हाँ वही तो, 2 साल हो गए नहीं रुड़की हो गया, अभी शुक्र है हो गया था, वरना आज अभी तो घर नजर बंद हो जाता मैं। सही बात है। उमर अब्दुल्ला बन जाता। उमर अब्दुल्ला बन जाता, फोटो देख के उसकी क्या लग रहा है? मतलब मतलब भाई उसके फादर भी तो इतने दिन ही अरेस्ट रहे, उसके फादर तो शेविंग करता रहा, थोड़ी उसकी शेविंग नहीं थी इसके बाद। मतलब अपनी नाराजगी दिखा रहा हूँ। चलो हर किसी को राइट है भाई अपनी नाराजगी दिखाने का। और सुनो भाई ठीक है ना? तो देखना भाई हमें तो अभी 20-21 दिन का सहम चल रहा। हाँ सही बात है, 7 महीने से बंद था। और छोड़ा भी उससे बाहर किस समय? उसे इसलिए छोड़ा बाहर ताकि वो घर से बाहर निकले और लट लगे उसके। अब लट लगे सही कह रहा है। बस भाई काट रहे टाइम, क्या ही चलना, चला ही रहे किसी तरह टाइम। अच्छा अच्छा चलो अभिषेक को याद कर ले, अभिषेक तो याद करता नहीं। हाँ सही बात है भाई, हम तो जब भी फोन करें हमारा तो फोन ही नहीं उठता। अरे बस क्या ही बताऊं, तुम फोन ही ऐसा करो। मैं थोड़ा काम कर रहा
जितनी बार मैं फोन करूँ तो भाई मैक्सिमम टाइम ऐसा हो गया वो फोन नहीं उठाता। अरे आप उसके पास चले मतलब इतना हरामी भाई फोन नहीं उठाया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कॉल बैक तो करते, कॉल बैक भी नहीं करता। इतना इतना इग्नोरेंस तो मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई इतना इग्नोरेंस होता है। नहीं नहीं यार इग्नोरेंस नहीं भाई, मैं बिजी होता तब यार मैं भूल जाता हूं यार, ब्लॉक करो तो मैं हूं तुम्हें पता है यार। तो भाई भूल रहा है, बिजी है, इसका मतलब ये तो है इग्नोर ही तो है, और क्या है। अरे नहीं नहीं वो वाली बात नहीं, इग्नोर अलग चीज है, इग्नोर तो मैं जान के नहीं कर रहा, मुझे पता है। अरे जान के नहीं कर रहा? नहीं नहीं जान के नहीं कर रहा, चलो ऐसे कर सकते हैं, अनजाने में हो गया। अच्छा, अरे यार मेरी बीवी भी तंग है, वो घर चली आती है ना। अच्छा। वो भी कहती है कॉल तो तुम करते नहीं। अरे मैं कहा यार क्या ही करूं, बस फिर हो जाता शुरू, फिर मनाना शुरू, और तो क्या ही काम रह गया जिंदगी में। तुमने भी तो बीच में मसूरी वाले काम का डाला था, ऐसी फ्लैशबैक करके डालना, वो नाराज होगी। अरे कॉन्सेप्ट तो लगा रहे हैं बस, कर ही कह सकते हो, कॉन्सेप्ट ही लगा सकते हो। तू बता कर लिया तूने ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट कर लिया, अपना तो आजकल नवरात्र चल रहा है, जल्दी उठना पड़ता है, कभी लठ लूट पता चले बाहर तो लठ बजी रहा, घर के अंदर भी लठ बजे सोते सोते। अच्छा, कहने में मतलब नवरात्र में तुझे पूजा वूजा करनी पड़ रही है? हाँ, हवन वन फुल चल रहे। अच्छा। चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो करता हूँ बात यार मैं, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो ओके ठीक है। सो अब नेक्स्ट कॉल करूंगा मैं अपने दोस्त तरुण को, और तरुण मेरा कलीग था, उसको वो मेरे साथ काम नहीं करता, अब वो दिल्ली चला गया है वापस, वो वहीं पर ही जॉब करता है, तो अब मैं उसे कॉल करूंगा। कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है, खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढके, हाथों को लगातार साबुन से धोएं, अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से रुके, अगर किसी को खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए। हाँ भाई क्या हाल है? क्या हाल है लड़के? और क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, वो देख रहा वो क्या नार्कोस। ओ नार्कोस देख के कहीं वो बनने का मन कर गए। पाब्लो एस्कोबार। क्या देखे? और बाकी पाब्लो एस्कोबार जैसा पेट तो कर लेंगे हम घर पे रह रहे के। हाँ उसका साले का हर सीजन में पेट बढ़ी रहा। बढ़िया एक्टिंग कर रखे। हाँ एक्टिंग तो बढ़िया उसकी। और बता भाई कैसे लग रहा है घर में कैद होके? यहाँ तो बारिश वारिश का मौसम है, सुबह से कल रात से हो रही है, यहाँ भी बारिश हो रही भाई। ट्रिमर और भीग गए, मैं कहा ट्रिमर भीग गया, अब तो ट्रिमर ना ही मिला सकते। अच्छा ट्रिमर भीग गया। यार इस टाइम तो कुछ बाहर से मंगा भी नहीं सकते। और बता तेरे बाहर आ गया? दिक्कत हुई होगी उसे तो, रोज एक एक हफ्ता चाहिए मैकडॉनल्ड्स का, और उसका कैसे काम चल रहा होगा, उसकी तो भलाई बंद होगी। एक रजनीगंधा का डिब्बा और एक हाफ। तो बताओ भाई साहब कैसे, तो इतने जेल से मैं जी रहा वैसे भी। तो क्या पहले से उसकी आदत थी, वो बाहर निकलता ही नहीं था। तो 5 साल से क्वारंटाइन है। इंस्टॉल कर ले फिर। पबजी करता हूँ इंस्टॉल, यार बिल्कुल करता हूँ, अभी कर लूँगा इंस्टॉल। ठीक है भाई, चल करते हैं बात फिर। चल करते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। ज़्यादा हिलेरियस होगी इसकी तो, है ना। इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको मैंने कॉल नहीं की तो आप मेरे अच्छे दोस्त नहीं हैं, मैं और दोस्तों कहना चाह रहा हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं। मैंने उन लोगों को इस वीडियो में कॉल करी है जिनको मैं काफ़ी महीनों से कॉल नहीं कर पा रहा, जैसे आपने अभिषेक को सुना मैं काफ़ी दिनों से कॉल उसकी अटेंड नहीं कर पा रहा था, तो मैंने उन्हें कॉल करा ताकि थोड़ा सा जो हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप है वो कम हो सके, वरना मेरे और भी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पारस, शिवानी, सोनम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर मैं एक सब पे वीडियो बनाने लगा तो एक कथा बन जाएगी, किसी और दिन
वेट करिए कि अब तक कब मैं आपको सरप्राइज कॉल कर दूं, और आप ज़रूर बताएं कि आप क्या क्या कर रहे हैं इस हाउस रेस्ट में, आप इस समय क्या क्या कर रहे हैं। ऊपर एक लिंक आएगा, यहाँ पर लिख दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। टिल देन आप भी अपने दोस्तों को कॉल करिए, खुश रहिए, क्योंकि नाराज रहने से या गुस्सा रहने से या सैड रहने से ये टाइम अच्छे से नहीं कटेगा। हिमानी को मैंने कॉल करी थी, हिमानी ने मेरी कॉल उठाई नहीं, तो अगर हिमानी ये व्लॉग देख रही है तो देखो तुमने कितना बड़ा चांस खो दिया आज। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मैं फिर वापस आऊँगा कुछ नया आपके लिए लेके, कुछ इंटरेस्टिंग लेके। टिल देन बाय बाय।